आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार में आपके साथ। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है और ऐसे में मुजफ्फरपुर में लगातार सहारा निवेशकों का जो है विरोध प्रदर्शन चल रहा है। वहीं आज फिर एक बार मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र इलाके के चतुर्भुज स्थान चौक पर सहारा निवेशकों द्वारा जो है भुगतान की राशि को लेकर के काफी विरोध किया गया है। इस दौरान जो विरोध करने वाले प्रदर्शनकारी है क्या कुछ कह रहे हैं पहले आप सुनिए। अभी जो हम लोग वर्तमान सरकार जो है मोदी जी का सहारा भुगतान के लिए हम लोग निरंतर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज तक मोदी जी के द्वारा कोई आश्वस्त नहीं किया गया कि सहारा के भुगतान की गारंटी है। मोदी है तो गारंटी है, उसी तरह हम सहारा के भुगतान की गारंटी की मतलब मोदी से ये वादा चाहते हैं। आने वाला समय में अगर सरकार इस पर अगर संज्ञान नहीं लेगी तो हम लोग सरकार के विरोध में मतदान करेंगे। आज हम लोग जो है जो भी महिला लोग जो है सब लोग पीड़ित लोग हैं, सभी जमाकर्ता लोग हैं, सब लोग जो आए दिन जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार का जो है नहीं रेंग रही है। आज अमित शाह पोर्टल का निर्माण किए, CRC पे लोगों ने अपना आवेदन कंप्लेन किए, लेकिन आज तक किसी के खाता में पैसा नहीं गया। ये क्या है, ये अमित शाह जो है जुमलेबाजी का सरकार, ये केवल जो एक पोर्टल जारी कर दिया और आज तक जमाकर्ता का भुगतान नहीं हुआ। हमारी मांग है सहारा के जो भुगतान उसका पूर्ण भुगतान करने की गारंटी मैं चाहता हूँ मोदी सरकार से। नहीं मिलेगा तो मोदी सरकार के अगेंस्ट में हम लोग जो अपना वोट मत का मतदान करेंगे। क्या पर्चे हुआ? मेरा पर्चे ललित कुमार। तो आपने सुना सहारा निवेशक क्या कुछ कर रहे थे। वही आपको बता दें कि जहां एक तरफ पूरे देश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी काफी तेज है, वहीं मुजफ्फरपुर में लगातार सहारा निवेशकों की विरोध करना कहीं केंद्र सरकार को भारी पड़ सकता है। जहां बीते दिनों मुजफ्फरपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जनसभा को संबोधित कर रहे थे, वहां भी सहारा निवेशकों के द्वारा विरोध किया गया था और आज एक बार पुनः सहारा निवेशकों के द्वारा भारी विरोध किया गया है। वहीं जो है पोस्टर बैनर लगा के साफ तौर पे भाजपा के खिलाफ वोट देने की मांग करने लगे हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर भुगतान नहीं होगा तो हम लोग भाजपा के विरोध वोट करेंगे और लोगों से अपील भी करेंगे। वहीं उन्होंने साफ साफ कहा कि अमित शाह भी कह चुके हैं, कई बार वादे किए हैं, कई बार ऐप भी लॉन्च हुआ, लेकिन इतना ज़्यादा परेशानी है कि हम लोग का भुगतान नहीं हो पा रहा है, जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक विरोध भी करते रहेंगे। तो इस तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार।